गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भिंडी की इतनी आसान इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं। भिंडी आपने बहुत से तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से भी एक बार ट्राई करना। जो भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी, प्याज और टमाटर लिए हैं। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और उसके साथ डाला है मैंने जीरा। जीरे को हम अच्छे से भुनने देंगे जब तक इस पर कलर आता है, और हम अपनी सब्जी में डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमें अच्छे से गला लेना है और तेल में हम अच्छे से कुक करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस हो। और इसमें मैंने साथ साथ डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, अराउंड एक चम्मच मैंने हल्दी डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने साथ ही साथ नमक भी डाल दिया है ताकि टमाटर जो हैं हमारे जल्दी से गल जाएं, उनको कुक होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कुक होने देंगे हम अच्छे से अपने टमाटर को, ऑयल के साथ कुक होने देंगे। आपने भिंडी बहुत तरीक़ों से ट्राई करी होगी, लेकिन ये इंस्टेंट तरीका है। अराउंड 5 से 7 मिनट में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे प्याज और भिंडी दोनों साथ में डाल दी हैं। इसमें मैंने थोड़ी बहुत हरी मिर्च भी काट रखी थी, आप चाहें तो सिर्फ लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी। बस अब हम इन सब्जियों को एकदम गुड मिक्स देंगे, जिससे जो सारे मसाला हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएं। अब हमें इनको अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि हमें इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, बस हमें सूखी ही सब्जियों को मिक्स कर देना है। अब इसमें गया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे डाला है। बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर दें, ये ऐसी सब्जी है बच्चे भी आपके बहुत खुश होकर खाएंगे। बस हमें सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। और भिंडी हमारी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। ट्राई ज़रूर करना और वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल।